हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, यानी कि एंगल को मापने का जो दो यूनिट होता है डिग्री और रेडियन, उन दोनों में रिलेशन क्या है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए एक हम लोग सर्कल बनाते हैं। ये कुछ आपका सर्कल है, प्रॉपर नहीं बनेगा फिर भी आप लोग जो है समझ सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि इसका सेंटर O है। सेंटर क्या है? O है। ठीक है, और O सेंटर है इसका, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? A है। चलिए ये यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या है आपका? A है। तो कहने का मतलब O A तब क्या हो गया? रेडियस हो गया, है ना। O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। चलिए उसको हम लोग R बोल देते हैं। ठीक है, तब क्या करते हैं हम लोग कि इस जो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, इस पर जो है ओ ए जितना दूरी है उतना ही दूरी का हम लोग क्या करते हैं? चाप कट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ओ ए आर है, तो यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे मान लीजिए बी है ना, यहाँ से ए से लेकर बी तक भी क्या है? आर दूरी है ये। ठीक है, और फिर इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको क्या किया? मिला दिए, तो ये भी क्या बन गया आपका? आर ही हो गया। तो ये भी आर, ठीक है, ये भी आर, और ये भी इसका जो लेंथ है यानी कि आर्क जो है उसका भी लेंथ क्या आपका? आर ले लिए। ठीक है, दोनों का क्या ले लिए? आर ले लिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप लोग कि जब ऐसा हो किसी सर्कल में कि किसी आर्क की लंबाई यदि उस सर्कल की त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो, तब उस आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पर बनाया गया कोण एक रेडियन का कोण कहलाता है, है ना। ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? एक रेडियन का एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक रेडियन का एंगल हो जाएगा ये वाला। ठीक, हम क्या बोले कि किसी वृत्त के सेंटर पर किसी चाप द्वारा जिसकी लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो, कितना रेडियन का कोण होगा? एक रेडियन का कोण होगा। यानी कि किसी चाप द्वारा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो, उसके द्वारा बनाया गया कोण कहाँ पे? तो सर्कल का सेंटर पर कितना का होगा? तो वन रेडियन का एंगल होगा। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ए ओ को प्रोसीड करते कर देते कहाँ तक? सी तक। चलिए यहाँ तक सी तक प्रोसीड कर दिए, सी तक प्रोसीड कर दिए, ये हो गया। तो ले यहाँ से तब यहाँ तक एंगल, ध्यान दीजिए, जब ए ओ को सी तक प्रोसीड कर दिया तो ए ओ सी एंगल जो होगा वो कितना का हो जाएगा? तो 180 डिग्री का हो जाएगा। कितना डिग्री का हो जाएगा? तो 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग लिख ले, लेट अ सर्कल Having center at O and radius R, है ना। एक सर्कल हम लोग जो एज्यूम कर लिए और जिसका कि सेंटर कहाँ पे? O पर है, और रेडियस क्या है उसका? R है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या किए हम लोग, मोर ओवर एन आर्क ए बी इज टेकन सच दैट लेंथ ऑफ रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू आर। मतलब कि ये है कि हम लोग एक सर्कल एज्यूम किए जिसका सेंटर ओ पर है, रेडियस आर है, है ना। इसके अलावा एक आर्क ए भी हम लोग जो है लिए हैं, और कुछ इस प्रकार लिया गया है कि आर्क की जो लंबाई है वो त्रिज्या की लंबाई के क्या है? बराबर है। और जब ऐसा होता है तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, यहां पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1 रेडियन। यदि ऐसा हो कि चाप की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई दोनों सेम हो जाए, तो वैसे सिचुएशन में चाप के द्वारा सेंटर पर कितना का कोण बनेगा? तो एक रेडियन का कोण बनेगा। चलिए तो ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद जो है
हम लोग क्या करते हैं, ए ओ को प्रोसीड कर देते हैं सी तक. नाउ ए ओ इज प्रोसीडेड टू सी. तो ए ओ को प्रोसीड कर दिया जाता है कहां तक, सी तक. जब ए ओ को सी तक प्रोसीड कर देते हैं देन एंगल ए ओ सी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री. ध्यान दीजिए, तो ए ओ सी एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का और ए ओ बी एंगल आपका क्या है 1 रेडियन का. कहां से, तो डेफिनेशन से, है ना. चलते आगे. अब जो है सर्कल में एक थ्योरम होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल थ्योरम, समानुपातिक नियम. उसका कहना है कि किसी सर्कल में चाप का अनुपात जो होगा, चाप की लंबाई का जो अनुपात होगा, उसके द्वारा बनाए गए कोण के अनुपात के बराबर होता है. ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम प्रोपोर्शनल थ्योरम ऑफ सर्कल. तो क्या कहता है प्रोपोर्शनल थ्योरम सर्कल का, कि चाप का अनुपात, तो ए बी चाप है और दूसरा चाप कौन है, ए बी सी है. तो चाप की लंबाई का अनुपात या चाप का अनुपात उसके द्वारा बनाए गए कोण के अनुपात के बराबर है. तो ए बी क्या एंगल बना रहा है, तो ए ओ बी बना रहा है, ए ओ बी बना रहा है. उसके बाद ए बी सी जो है चाप वो क्या बना रहा है, तो ए ओ सी बना रहा है, ए ओ सी बना रहा है. ठीक है, अब गौर से देखिए कि ए बी जो है आपका क्या है, ए बी तो आर के बराबर है, तो ये आर हो गया. उसके बाद ए बी सी, ए बी सी जो है आपका आप देख सकते हैं ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त है, है ना. और अर्धवृत्त की लंबाई क्या होगा भाई, तो पाई आर होता है ना, जिसको कि अर्ध परिधि भी कहते हैं. तो टू पाई आर हो गया परिधि, उसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे ये हो गया. उसके बाद देख सकते हैं ए ओ बी एंगल कितना है, 1 रेडियन का है, ये हो गया आपका 1 रेडियन का. और ए ओ सी एंगल क्या है, 180 डिग्री का है, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री का. तो आर और आर कैंसिल हो गया, तो देयर फोर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पाई इंटू 1 रेडियन, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है, 1 into 180, तो 180 डिग्री हो गया. ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल गया, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर हो गया. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. तो पाई रेडियन जो होगा आपका किसके कितना के बराबर होगा, तो 180 डिग्री के बराबर होगा. ठीक है, तो इसी बेसिस पर हम लोग देखते हैं कुछ. देखिए, तो इसी आधार पर हम लोग कुछ एंगल देखते हैं. जैसे तो पाई रेडियन जब 180 डिग्री हो गया तो पाई बाय 2, अब रेडियन का सिंबल सी लिखिए तो भी ठीक, नहीं लिखिए तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है. तो पाई बाय 2 रेडियन क्या हो जाएगा आपका, तो 90 डिग्री हो जाएगा. पाई बाय 4 रेडियन क्या हो जाएगा आपका, 45 डिग्री हो जाएगा. पाई बाय 6 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा. पाई बाय 3 क्या हो जाएगा आपका, तो 60 डिग्री हो जाएगा. 2 पाई बाय 3 कितना हो जाएगा आपका, तो 120 डिग्री हो जाएगा. तो 3 पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, तो आपका 135 डिग्री हो जाएगा. 5 पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, तो 150 डिग्री हो जाएगा. उसके बाद 7 पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, तो 210 डिग्री हो जाएगा. 2 पाई रेडियन क्या होगा, तो 360 हो जाएगा. 3 पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, तो 270 डिग्री हो जाएगा. ये तो आप इस फॉर्मूले में या फिर इस रिलेशन का यूज करके आप किसी भी तरह का डिग्री से रेडियन में एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं. उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा. अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा. चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार का आगे भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.